आज क्या है टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर वन क्या है लेक्चर वन सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर वन यार वे स्टैटिक का मतलब क्या होता है स्टेशनरी so basically we are talking about charges at rest we are basically talking about charges at rest बच्चो सबके सब नोट्स बनाना जो भी मैं लिख रहा हूं उस पूरे को कॉपी करना है तुम्हें तो copy में ठीक है डोंट काउंट डाउन की पीडीएफ मिलेगा ये मिलेगा मैं दे दूंगा वो तो मैं देता ही हूं लेकिन सब कुछ लिखना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट चार्जेस एट रेस्ट इसमें सबसे पहले हम क्या बात करेंगे चार्जेस के बीच में फोर्स दैट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ गिवन बाय कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है अगर एक पॉइंट चार्ज है क्यू वन और एक और पॉइंट चार्ज है क्यू टू पॉइंट चार्ज होना बहुत जरूरी है लॉ इज नॉट वैलिड फॉर

इसका पॉइंट मास ले लो इसके सेंटर पे और फोर्स निकाल लो वो गलत आंसर देगा ये ये बताया था ना मैंने निया, नहीं yes, बताया अरे डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी या हो फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा 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 तो फंडा ही गोल है मैंने ये कहा था ग्रेविटेशन के अंदर मैंने ये कहा था ग्रेविटेशन के अंदर चलो एक बार देख लेते हैं हल्का सा बता देता हूं भले ही रिकॉर्डिंग में कुछ कुछ गड़बड़ होगी मतलब दैट इज आई एम नॉट सपोज्ड टू डू दिस इन दिस अगर ये रॉड है इसका मास एम वन है इसका लेंथ एल है इससे आर सेपरेशन पे एक पॉइंट मास है एम टू ये ग्रेविटेशन में बोला था मैंने तो जो जिसको जिसके फंडे क्लियर नहीं है वो क्या कहेगा इन दोनों में फोर्स कितनी होगी वो गलती से क्या करेगा वो कहेगा एम वन का पूरा पॉइंट मास कहा मान लिया सेंटर पे हाँ ये तो यूनिफॉर्म था ये तो यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म का तो सेंटर पे मान सकता हूं ना सेंटर ऑफ मास हाँ तो वो बच्चा गलती से क्या कहेगा एम वन यहां पर है और एम टू यहां पर है और इनके बीच में डिस्टेंस हो गया आर प्लस एल बाई टू तो वो ये कह देगा कि इसके ऊपर फोर्स लगेगी इधर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स और वो ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना लिख देगा एफ इज जी एम वन एम टू अपॉन आर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वेर और जो ऐसा करेगा ये आंसर गलत है और ये मेंस में लेवल का ही क्वेश्चन है ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है हाँ दिस इज रॉन्ग लिख लो तो बता देना एवरीबडी तुम कहोगे रॉन्ग भी लिखना होता है हाँ रॉन्ग भी लिखना होता है wrong लिखोगे तो तुम्हें पता चलेगा व्हाट इज राइट और नॉट कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये गलती कर सकते थे इस केस में कोई नहीं है को, come on, don't be dude. कि हाँ हम तो बहुत बड़े ड्यूड हैं, हमारे तो गलती हो ही नहीं सकती थी किस किस का फंडा क्लियर नहीं था ये बोलो भाई सबका क्लियर था लिख लिया सबने हाँ या ना मैं रिप्लाई करो भाई नो no, सर एक सेकेंड गाइस, सो दिस इज बेसिकली दिस इज बेसिकली रॉन्ग सपोज करो ये रॉड है और यहां पर पॉइंट मास रखा है आर डिस्टेंस पे एम टू और इस रॉड का मास एम वन है इस रॉड का मास एम वन है और इसका लेंथ एल है और ये यूनिफॉर्म रॉड है ये यूनिफॉर्म रॉड है ठीक है अब फोर्स पूछी गई है दोनों के बीच में तो कैसे करेंगे हमने कहा जो जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था ट वॉज ओनली वैलिड फॉर डेट वॉज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मास पॉइंट मासज इट नेवर टॉक्ड अबाउट बॉडीज तो पहला स्टेप तो ये होगा कि हम चाकू लेके इसको छोटे छोटे पॉइंट मासस में काट दें चलेगा फिर एक काम करते हैं कि यहां पर ऐसा ले लें वेरिएबल एक्स और एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा पॉइंट मास लिया जिसका लेंथ कितना है डी एक्स मास है रेड वाला इस पॉइंट मास की वैल्यू कितनी होगी डीएम कितना होगा मास पर यूनिट लेंथ मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएक्स ये किस किस को समझ में आया भैया एम वन मास M1 मास लेंथ l पे डिस्ट्रीब्यूटेड था छोटा सा लेंथ ले लिया dx उस पे मास कितना हो गया मास पर यूनिट लेंथ इनटू में छोटी सी लेंथ तो m1 बाय l इनटू dx अब न्यूटन ने कहा अब न्यूटन ने कहा कि गाइस ये पॉइंट मास और ये पॉइंट मास फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहा होगा m2 के ऊपर dF ये dF की वैल्यू कितनी हो जाएगी डीएफ की वैल्यू अट्रैक्टिव फोर्स होगी कितनी हो जाएगी जी डी एम इन टू एम टू बात नॉटर करते थे ना तो एम yes, वन का एम वन का रोल तो डी कर रहा है एम टू का रोल एम टू कर रहा है आर का रोल एक्स कर रहा है हाँ या ना तो ये छोटा सा फोर्स हो गया छोटा सा फोर्स ऑन एम टू ड्यू टू छोटा सा रेड वाला पार्ट कहा यहाँ पर रॉड को मैंने बहुत सारे छोटे छोटेगा ये वाला पार्ट कितना कम हो जाएगा वो भी ऐसे फोर्सिस सेम डायरेक्शन में है मान लो ये वाली फोर्स गलती से पंद्रह न्यूटन है दूसरी मान लो दस न्यूटन है तीसरी मान लो आठ न्यूटन है तो हम ये कह सकते हैं सारों का सम ले लूंगा ना टोटल फोर्स आ जाएगी या नहीं आ जाएगी तो इसका समेसन ले लो इसका इंटीग्रेशन ले लो तो फोर्स नेट आ जाएगा ऑन एम टू ड्यू टू रॉड इस पूरी चीज का समेन अब यहां पर इस इंटीग्रल, समेन इज बेसिकली इंटीग्रेशन देखो ये समेसन आएगा टेक्निकली तो समेन आएगा समीशन इज बेसिकली और इंटीग्रेशन ये आ गया जी डीएम को लिख देना एम वन बाय इन टू डी एक्स इंटू एम टू बायर यहां पर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जानी चाहिए R से एल होगी तुमने तुमने मिस्टेक करी है देखो ये रॉड ली थी ये रॉड ली थी ये रॉड का लेंथ था एल ये था r और हमने वेरिएबल क्या लिया था हमने वेरिएबल लिया था कि एक छोटा सा पॉइंट मास लिया x डिस्टेंस पे तो अब ये बता दो ना ये छोटे से पॉइंट मास के लिए x कितना होगा r ये छोटे से पॉइंट मास के लिए x कितना होगा r l रॉड की लेंथ पे आ जाएगी मैं तो ना गिव अप ही मार दूंगा तुम लोगों ऐसी हरकतें करते हो व्हाट डू यू मीन बाय रॉड की लेंथ भी आ जाएगी तब भी तो r+l होगा इंटीग्रल हां तो वही मैं कह तो रहा हूं कि रॉड की लेंथ ना x कहां से कहां तक वेरी करें x कहां से कहां तक वेरी करें सो so दैट कि पूरा रॉड वाले पार्ट कवर हो जाए हाँ या ना यही तो करना है रॉड का पूरा पार्ट कवर हो जाए x को ऐसे वेरी करो यस yes, सर so, x शुड वेरी फ्रॉम r से लेकर r+l इज दैट फाइन तो फोर्स कितना आ जाएगा इस इंटीग्रल में g एम वन एम टू बाई एल बाहर आ गया, अंदर बन गया इंटीग्रल -X X X की वैल्यू चली गई आर से लेकर इज दैट फाइन गॉट इट और नॉट यस सर अब ये बता दो कि किसी को अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स क्या होता है एक्स की पावर एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन याद आ रहा है एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और यहाँ पर कंडीशन होती थी एन शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन याद है यस yes, तो yes, so ये बन गया हमारा जी एम वन एम टू बाय और ये हो गया माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स लिमिट गोज फ्रॉम आर से आर प्लस एल गॉट इट, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट लिखते थे फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट लिखते थे तो so, कितना बनेगा जी एम वन एम टू बाय एल माइनस वन अपॉन आर प्लस एल माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन आर गॉट इट, ये हो गया जी एम वन एम टू बाय एल माइनस वन अपॉन आर प्लस एल माइनस माइनस प्लस वन अपॉन आर लिखते जाना है सारा ये आ गया जी एम वन एम टू जी एम वन एम टू माइनस आर आर प्लस एल तो क्या कट गया आर कट गया एल बच गया जी एम वन एम टू एल अपॉन एल आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस एल एल से एल कट गया आंसर कितना बन रहा है जी एम वन एम टू आर इन टू प्लस एल किस किस को ये समझ में आया है यस यस सर सर दिस इज द करेक्ट आंसर दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्ड इन जे मीन एंड नीट दूसरी चीज एंड दिस इज नॉट मैचिंग विद व्हाट आई डिड अर्लियर यूजिंग पॉइंट मास हाँ या ना सेंटर ऑफ मास लेके कर देना उससे मैच तो नहीं कर रहा देख लो ना उसमें आंसर क्या बन रहा था इसका मतलब इसका मतलब जब बॉडीज होती हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सीधा नहीं बोल सकते जी एम वन एम टू के लिए वैलिड था वो फॉर्मूला हाँ या ना ठीक yes, है मेरे ख्याल से मैंने डरा दिया इस बार दिस इज नॉट इलेक्ट्रोस्टेटिक्स न्यू स्टूडेंट्स डोंट वरी अबाउट इट ओके सो व्हाट आई वाज़ सेइंग इज़ कूलम्स लॉ होता है कूलम्स लॉ होता है वो ये कहता है कूलम्स लॉ से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि दो तरह के चार्जेस होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव और ये भी पता है कि लाइक चार्जेस यार ये तो पता होगा नाइन्थ या 8th में पढ़ा होगा लाइक चार्जेस क्या करते हैं रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं क्या? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ये तो सबको पता था अब कुलम लॉ ये कहता है कि एक पॉइंट चार्ज है कि एक क्या है पॉइंट चार्ज है से क्यू वन और एक पॉइंट चार्ज है क्यू टू और इनके बीच में सेपरेशन आर है ठीक है और मान लो दोनों ही पॉजिटिव हैं, मान लो दोनों ही पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या करेंगे क्या करेंगे गाइज रिपेल, रिपेल 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 करेंगे ठीक है? ये रिपेल करेंगे। और ये रिपेल करेंगे किस किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी अलोंग द लाइनिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दैट इज इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली फोर्स कैसे लगेगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और इस फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी क्यू वन इंटू क्यू टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वेर और ये वैलिड कब होगा जब वेन आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पॉइंट चार्जेस वेन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट चार्जेस और इसकी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस दैट मेक्स सेंस और नॉट ठीक है अभी तो प्रोपोर्शनल बोला है यार दैट इज नॉट द वैल्यू ओके इक्वल टू कितनी होगी f इज इक्वल टू के क्यू वन बाय आर स्क्वेयर के क्या हो गया कुछ कांस्टेंट के क्या हो गया कुछ कांस्टेंट लिख लिया सबने यस सर यस सर गुड हाँ लिखो लिखो देखो बोलना सीखना बहुत जरूरी है अपना एक हाथ तो उस पर रखना ही पड़ेगा तुम्हें ठीक है म्यूट एंड म्यूट के बटन पे नहीं रखोगे तो दैट इज द वे ऑफ़ ओके विद प्रैक्टिस यू गेट कंफर्टेबल आई थिंक अदर द गाइज बीन स्टडिंग विद मी शुड कंफर्टेबल आर यू आर यू नॉट और जिन, -जिन के पेरेंट्स से पीटीएम नहीं हो पाई है भाई वीकेंड पे आ जाना यार पेरेंट्स के साथ yes, लिख लो तो बता देना हो गया सर गुड सो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई मैं बार बार लिखता हूं ना तुम भी उतनी ही बार लिखो के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर ठीक है और के की वैल्यू कितनी होती है नाइन इंटू टेन की पावर नाइन यूनिट क्या हो जाएगी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर अब ये मत कहना कि ये कैसे हो गया अरे भैया फोर्स न्यूटन में हो गया आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर स्क्वेयर हो गया चार्ज के स्क्वेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो पर कूलम स्क्वेयर हो गया हाँ या ना यस सर ठीक है जैसे ग्रेविटेशन के अंदर हमारा पॉइंट मास होता था m1 और m2 और इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगती थी और ये फोर्स कितनी होती थी ये फोर्स होती थी g m1 m2 by r2 इज दैट फाइन और नॉट अब याद करेंगे g की वैल्यू कितनी होती थी g की वैल्यू होती थी कितनी होती थी गाइस 6.6 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी इस यार एक्सरसाइज को देख के एक चीज तो क्लियर है इलेक्ट्रोस्टेटिक देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस एम आई राइट यस सर हाउ मच टाइम्स मोर पावरफुल यू डोंट अंडरस्टैंड ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं भैया बिटसेट में आया क्वेश्चन और बोलो बहुत साल पहले हाउ मच मोर टाइम्स

और मैंने लिखवाया मैं तो नहीं अभी ये चीज ना मेरे को लिखवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हाउ मच मोर टाइम्स मोर पावरफुल आर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सेस एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस दैट्स अ कॉमन सेंस या ना इज दैट फाइन एवरीबॉडी यस सर यस सो वन कोलम इज अ प्रीटी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज वन इज अ प्रीटी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज ओके अब जैसे मान लो कहा जाए मान लो कहा जाए कि सपोज सपोज हमने चार पॉइंट चार्जेस लिए ये एल है ये एल है ये हमारा माइनस क्यू है ये हमारा क्यू है ये हमारा क्यू है और ये हमारा सपोज क्यू नॉट है फाइंड फाइंड नेट फोर्स ऑन ए ड्यू टू थ्री अदर चार्जेस थ्री अदर चार्जेस क्वेश्चन समझ में आ रहा है सर yes, पक्का

तुम ये मत कहना कि माइनस क्यू क्यों नहीं डाला मैंने समझ में आ रहा है माइनस क्यू क्यों नहीं डाला क्योंकि अगर मान लो कोई मेरे पास चार्ज होता माइनस क्यू वन और ये होता क्यू टू तो फोर्स कैसे होती अट्रैक्टिव होती फोर्स कैसे होती अट्रैक्टिव होती और फोर्स की वैल्यू कितनी होती उसकी वैल्यू होती के क्यू वन इंटू क्यू टू आर स्क्वेयर बोलो हाँ यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट तो इसने तो इतना फोर्स लगाया बाकी ऊपर वाले ने इस वाले क्यू ने इधर की तरफ फोर्स लगाया कितना लगाया के क्यू इंटू क्यू नॉट बाय एल स्क् और इस वाले ने डायगनल के अलोंग लगाएगा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव कितना लगाएगा के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई रूट टूएल्व का होल स्क्की रूट टू एल्व होगी ये एंगल फोर्टी फाइव होगा अब नेट फोर्स कितना होगा कितना होगा, इनका वेक्टर एडिशन करना है that's it. भाई तुम्हारे पास एक फोर्स ये एक फोर्स ये और एक फोर्स ये वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं दो एक्सिस ले लो दो एक्सेस ले लो रिजोल्व yes. कर दो रिजॉल्व कर दो भाई ये दो एक्सेस ले ली इधर की तरफ आ गया के क्यू क्यू नॉट बाय स्क्वेर इधर आ गया के क्यू क्यू नॉट बाय एल स्क्वेर इधर आ गया के क्यू क्यू नॉट बाय टू एल स्क्वेर कॉस फोर्टी फाइव एंगल के साथ वाला कॉस कॉम्पोनेंट हो गया सामने वाला हो गया के क्यू क्यू नॉट बाय टू एल स्कोर्टी फाइव हाँ उसके बाद एक्स एक्सिस में अलग से ऐड कर दो वाई एक्सिस में अलग से ऐड कर दो तो सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हम ये कहेंगे वाई एक्सिस में तो आ जाएगा नेट फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट ये आ जाएगा के क्यू क्यू, क्यू नॉट बाई एल square वन प्लस वन बाय टू रू टू और इधर हमारा ये वाला बड़ा होगा तो ये आ जाएगा केन माइनस वन बाय टू रू टू ये फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट हो गया ये फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट हो गया नेट फोर्स कितना हो जाएगा रिजल्टेंट कितना जाएगा डायगनल के अलॉन्ग सर yes,

प्लस वन माइनस आगे का सिंपलीफाई खुद ही करते रहना सही है कि नहीं है और टेन थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस तो ये हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा वन प्लस वन बाय टू रूट टू अपॉन वन माइनस वन बाय टू रूट टू इज दैट फाइन

चलिए क्वेश्चन बनाते हैं पॉइंट देखो आई एम आई एम गोइंग टू लिमिट माय सेल्फ टू द पॉइंट चार्जेस क्योंकि पॉइंट चार्जेस पर लिमिट करने की मजबूरी है क्योंकि फिर मुझे इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा यू एग्री विद दैट और नॉट यस सर यस सर सो सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज दिस इज अ पॉइंट चार्ज से q1 एंड सपोज दिस इज फिक्स्ड and then we have another point charge q2 and iska mass m hai aur ye separation r pe hai isko maine release kar diya release कर दिया from rest guys ये accelerate होगा या नहीं होगा किस को समझ में आया भाई तुमने एक पॉइंट चार्ज लिया है क्यू वन इसको तो तुमने फिक्स कर दिया कील से ठोक दिया हाँ या ना और यहां पर तुमने एक Q2 चार्ज को रेस्ट से रिलीज कर दिया वेलोसिटी जीरोगी कितनी फोर्स लगेगी के क्यू वन क्यू टू बायर इस पे फोर्स इधर लगेगी के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वेयर बेटा पहले तो ये बता दो लेफ्ट वाले पे एक ही फोर्स लगेगी या दो फोर्स लगेंगी वो फिक्स्ड है तो उसको बैलेंस करने वाली भी लगेगी हिंज फोर्स भी, लगे. भी लगेगी हिंज फोर्स भी लगेगी दैट मेक सेंस ना ये फिक्स्ड है तो इसको बैलेंस करने वाली फोर्स भी लगेगी हाँ या ना और ये एक्सेलरेट करेगा ये एक्सेलरेट करेगा इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी फोर्स डिवाइडेड बाय

इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ठीक है तो क्वेश्चन ये बनता है क्वेश्चन ये बनता है मैंने ये पढ़ाया था एक्सेलरेशन अगर टाइम पे डिपेंडेंट है तो उसको डी वी बाई डी टी करके इंटीग्रेट कर देते थे एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है तो उसको डी वी बाई डी टी करके इंटीग्रेट कर देते थे एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है उसको वी डी वी बाई डी एक्स करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन अगर एक्स पे डिपेंडेंट है तो उसको डी वी बाई डी टी करके इंटीग्रेट नहीं कर सकते उसको वी डी वी बाई डी एक्स करके ही इंटीग्रेट कर सकते हैं अब जो नए बच्चे हैं ना वो यहां पर गए डर डरने की जरूरत नहीं है धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी बातें क्वेश्चन जो बना रहा हूं वो समझने का कोशिश करो आई एम आई एम फॉलोइंग सम लॉजिक द लॉजिक इज देर वुड बी लॉट ऑफ विल अप्लाई थ्री मोशन दे विल बी रॉन्ग

रेस्ट से किया रिलीज और ये दूर जाता जाएगा जब बीच में सेपरेशन हो गई मान लो कितनी हो गई थ्री आर हो गई उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी बता दो फाइंड वेलोसिटी फाइंड वेलोसिटी ऑफ एम व्हेन सेपरेशन बिकम्स व्हेन सेपरेशन बिकम्स क्वेश्चन में बाद में भी कराना सिखाऊंगा एक लाइन में वेन आई विल अपलाइंग बट अभी मैंने एनर्जी की तो बातें नहीं करी मैंने एनर्जी की कोई बात करी मैंने कोई एनर्जी बताई कुलम्लॉ से जो जो एनर्जी डिफाइंड होगी इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी है ओनली सोल्यूशन यू कैन गिव मी इज यू विल नीड टू अपलाई कामेटिक्स बोलो हाँ

रिकॉर्डिंग पॉज कर दें तो अच्छा लगेगा गाइस पहली चीज तो पहली चीज तो ये बता दो किसी ने ये नहीं सोचा कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रही होगी किसी ने ये थोड़ी कहा है कि भाई इसका मास अगर m1 होता इसका मास m2 होता मास तो होता ही है कैन चार्ज एग्जिस्ट विदाउट मास कैन चार्ज एग्जिस्ट विदाउट मास सर वो उसके उसके नो सर ठीक बहुत दैट यू कैन से कि योर ग्रेविटेशनल फोर्स इज इज इग्नोरेबल एज कंपेयर टू फोर्स इज दैट फाइन यस ठीक है कि हम इग्नोर कर देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रे, ग्रे, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स के सामने और ये कहेंगे ये चार्ज Q1 है कभी सेपरेशन जब हो गई x उस इंस्टेंट पे इसकी एक्सलरेशन कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी के q1 q2 by x square divided by is body इस बॉडी का मास हाँ या ना अब इस एक्सेल को हम क्या लिख सकते हैं वी डी वी बाय डी एक्स इज के क्यू वन क्यू टू बाय डीएक्स को दूसरी तरफ ले जाओ डीएक्स को दूसरी तरफ ले जाओ डीएक्स बाय एक्स स्क्वेर

v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 तो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 ये हो जाएगा k q1 q2 बाय m और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद माइनस वन बाय एक्स यार तुमने एक और चीज पैटर्न देखा है बहुत आसान से इंटीग्रल होते हैं और वही बार बार रिपीट हो रहे होते हैं हाँ या ना तो जिसको समझ में नहीं आ रहा भाई तू तो समझ लो ना कि आप एक बार तो फॉर्मूला याद रखोगे हमेशा लगता रहेगा हाँ या ना माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन बाय आर इट कितना आ गया ये के क्यू वन क्यू टू बाय ये वन माइनस वन बाय थ्री इज टू बाय थ्री आर ये टू का हो गया फोर और इसका ले लिया रूट यार सही निकाला था बच्चों ने आई हैव डाउटेड देम क्यों नीचे सही कह रहा हूँ यस सर अभी अभी निकल गया था अरे सबका निकल जाना चाहिए था किसी ने तो मेरे को मैसेज भी मारा था किसने मारा था हाँ मैंने मारा था पर मैंने राइट हैंड साइड इंटीग्रेट करना भूल गया था तो थोड़ा गलत आ गया थोड़ा थोड़ा तुम्हारा तो रूट भी नहीं है <laughs> हाँ वही तो मुझे समझ आई ठीक है एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट यस सर गुड अब जैसे सपोज करो हाँ सर एक बार नोट करता रहा श्योर श्योर गाइस सपोज अनदर क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन मान लो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू यार चलो पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट जैसा बनाना भी चाहिए मान लो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू और एक और पॉइंट चार्ज है क्यू इन दोनों को फिक्स कर दिया इन दोनों को फिक्स कर दिया चलेगा अब मैंने इनके बीच में सेपरेशन बोला 2L ये भी चलेगा अब यहां पर मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया सेंटर पे मास M का ये एल है ये एल है अब ध्यान रखना दो डिफरेंट क्वेश्चन बनेंगे दो डिफरेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे एक बार इसको चार्ज दे दो प्लस q, चलेगा ये बता दो इस पर फोर्स कितनी लग रही है फोर्स लग रही है जीरो नहीं हो जाएगी जीरो किस किस को फील आ रही है कि जीरो हो जाएगी ये, ये, ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है क्यू क्यू बाय स्क्वेयर ये किसने फोर्स लगाया लेफ्ट वाले ने और राइट वाला रिपल्शन कर रहा है ये फोर्स इधर लगाएगा के क्यू क्यू बाई एल स्क् एक्सेलरेशन इज जीरो इसको छोड़ भी दूंगा तो एक्सलेशन इज जीरो ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं एम नहीं लग रहा है ठीक है अब क्वेश्चन ये बनता है दिस इज इक्विलिब्रियम दिस इज इक्विलिब्रियम यहां तक का समझ में आ गया है नहीं आ गया अब क्वेश्चन ये है अब क्वेश्चन ये है कि सपोज इसको दो तरीके से डिस्प्लेस किया मैंने इसको दो तरीके से डिस्प्लेस किया ये क्यू था ये क्यू था और ये क्यू था ये एल था ये एल था मैंने इसको डिस्प्लेस किया कुछ अमाउंट से एक्स इधर की तरफ तो उस पर नेट फोर्स निकालो और उसका एक्सेलरेशन निकालो फाइंड एक्सेलरेशन फाइंड एक्सेलरेशन कर लोगे नेट फोर्स निकालनी होगी और एफ इक्वल टू एम करके एक्सेलरेशन निकालनी होगी ट्राई मार सकते हैं ना यस yes, सर ये केस वन हो गया और दूसरा केस क्या हो गया मैंने इसी को डिस्प्लेस किया x से इधर की तरफ अब भी एक्सेलरेशन निकालनी है फाइंड एक्सेलरेशन देखने में डरावना लग रहा है कुछ नहीं करना यार नेट फोर्स निकालनी है एंड एक्सेलरेशन निकालनी है हाउ मच टाइम टू मिनट्स यस सर ओके या हो भी क्या पहला वाला हो गया दूसरा खबर ठीक है भाई पहले वाले केस में नेट फोर्स इस पॉइंट की तरफ है या नहीं है यस yes, तो ये वाली फोर्स बड़ी है और ये वाली फोर्स छोटी है ठीक है कि नहीं है ये वाली yes, फोर्स हो गई के क्यू क्यू बाय माइनस एक्स का कितनी हो गई के yes, तो इसकी एक्सेल हमारी इधर की तरफ होगी तो एक्सेल कितनी होगी के क्यू क्यू वन अपॉन l माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एल प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास सही है कि नहीं है यस सर यस सर समझ में आ गया यार ये कितना आ रहा है सिंपलीफाई किया था किसी बच्चे ने या यहीं पे छोड़ दिया यस yes, सर किया था कितना आ रहा है फोर एल एक्स फोर एल एक्स के क्यू क्यू अपॉन एम l minus x का स्क्वायर इनटू l प्लस x का स्क्वायर। बिल्कुल सही। ऐसे बन गया ना कुछ। अगर मैं कह कहतूं x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन l। हल्का सा डिस्प्लेस किया था। सर तो नीचे आपने l स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर कैसे लिखा? यार ये तो मतलब बहुत ही अच्छी बात बोली तुमने। l minus x इनटू l प्लस x। a plus b a minus अच्छा minus अच्छा अच्छा ठीक है कौन था ये बता दो पहले क्या कर रहे हो बेटा अपनी भी ना कटवा रहे हो मेरी भी मेरी भी कटवा रहे हो लाइक नहीं किया ठीक है तो और अगर x वेरी वेरी लेस देन l बोल दूं तो x स्क्वायर इसको इसको नेगलेक्ट कर दूं ms हो जाएगा तो ये आ जाएगा k q q 4l by m l की पावर फोर इंटू एक्स यार ये कितना आ गया ये आ गया के क्यू क्यू फोर बाय एल क्यूब इंटू एक्स यार ये बता एक्सेलरेशन बन रही है कैसी एक्सेलेशन एस एम एस एच एम वाली एक्सलेशन एक, 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 हाँ बिल्कुल रिस्टोरिंग है या नहीं है रिस्टोरिंग भी है तो इसका मतलब यहां से साइड में ले जाके छोड़ दूंगा तो ये ये क्या शैतानी करेगा ये यहां से छोड़ूंगा तो ये यहां से इधर एक्सेलरेट करेगा फिर यहां तक आते आते इसकी एक्सेलरेशन होगी फिर रिटार्डेशन होगी ये ऐसे SHM करेगा या ना यस किस को समझ में आया yes, और एस एच एम के अंदर एक्सेलरेशन क्या होती थी ओमेगा स्क्वायर एक्स होती थी ना एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग भी होनी चाहिए और वो होनी चाहिए ओमेगा स्क्वायर एक्स जैसी तो इसका मतलब ओमेगा कितना हो गया अंडर द रूट ऑफ फोर के क्यू क्यूब बाय एल क्यूब तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कितना हो जाएगा टू पाई बाय ओमेगा कितना हो जाएगा टू पाई डिवाइडेड बाय फोर के क्यू क्यू बाय क्यूब अब ऐसे क्वेश्चन अगर जेई मेंस या नीट में आते हैं

अच्छा ये बता दो जो हमने सेकंड वाले केस में किया था उसमें एसएचएम होगा या नहीं होगा नहीं होगा उसमें एसएचएम नहीं होगा क्यों नहीं होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स की टर्म नहीं बन रही नहीं नहीं ओमेगा स्क्वायर एक्स की टर्म तो बनेगी बेटा देखा तुमने कर दिया ब्लेंडर ये क्यू है ये क्यू है ये एल है ये, ले, ये, ले। ये रिस्टोरिंग नहीं होगा इसलिए नहीं होगा समझ रहे हो इधर फोर्स लगेगा इसके कारण इधर फोर्स लगेगा इस एंगल को ले लेना थीटा इस एंगल को ले लेना थीटा ये ले लेना थीटा ये ले लेना थीटा ये फोर्स एफ है ये एफ है कितना नेट फोर्स कितना लगेगा टू एफ कॉस थीटा रिजोल्व करोगे तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा इसको रिजोल्व करोगे तो एफ F's कॉस थीटा एफ साइन थीटा तो नेट फोर्स लगेगा टू एफ थीटा इक्वल टू एम एक्सेलरेशन आ जाएगा वन बाय टू एफ कितना होगा के क्यू क्यू बाय स्क्तर आर का रोल क्या प्ले करेगा? R का रोल ये प्ले करेगा तो ये आ जाएगा के अंडर द रूट का स्क्वेयर ये तो एफ की वैल्यू लिखी है मैंने कॉस थीटा की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटे बेस हो गया एक्स और हाइपोटेन्यूस हो गया रूट ऑफ एक्स स्क् प्लस एल स्क्वेयर हाँ या ना नहीं समझ में आया तो भैया अभी पूछ लो यस yes, सर किसी के समझ में नहीं आया मेरी भी समझ में नहीं आया लग रहा है हाँ या ना आ गया ना समझ में यस yes, सर yes, की वैल्यू तो ये है हाँ या ना ये टू वाला हो गया और ये थीटा की वैल्यू हो गई अब यहां पे कंडीशन ले ली कोई भी तो बोल रहा है सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन ओके आई कैन एक्सप्लेन अगेन इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसे है एसी है, एसी है। ये एल है ये एल है ये क्यू है ये क्यू है बेटा ये बताओ कि इस और यहां पे चार्ज क्यू है इस क्यू पे इसके कारण फोर्स कितना लगा के क्यू वन क्यू टू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के रूट का स्क्वायर करूंगा तो यही बन जाएगा हाँ या ना बोलो हाँ या अभी भी डाउट है के q1 q2 क्यू r बाय आर का रोल तो यही प्ले करेगा ना हाइपोटेन्यूज यस सर अब जो राइट वाला है उसके कारण फोर्स कितना होगा अच्छा एक काम और क्या करो चैट पे टाइप मत किया करो अनम्यूट करके बोल दिया करो क्योंकि चैट पे टाइप करते हैं ना तो जरूरी नहीं है मैं हमेशा चैट देख रहा हूँ आया ना ठीक है इधर भी लगेगा के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्स एल चलेगा रूट का स्क्र किया है तो यही बनेगा अब ये बता दो इनको ऐड कैसे करते हैं दो दो फोर्सेस को दो वेक्टर्स को हमने कहा भाई दो एक्सिस चूज कर लो एक्सिस और वाई एक्सिस ये वाले एंगल को थीटा मान लो बाय द वे ये थीटा है ये थीटा है और ये थीटा है और ये भी थीटा है तो इन फोर्सेस के कौन से कॉम्पोनेंट बचेंगे साइन कॉम्पोनेंट एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा इसका इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा हाँ या ना तो ये बता दो नेट फोर्स कितनी बचेगी एफ साइन तो कट जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स बनेगी टू एफ थीटा सही है कि नहीं है तो ये कितना हो गया और कॉस थीटा कितना है इस ट्राइंगल को देख के कॉस्ट थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स बात समझ में आई या नहीं आई नहीं आई पढ़ाता तो ही नहीं अब तो मैं पढ़ाता ही नहीं ठीक है सो so बेसिकली मैंने कहा एक्सेलरेशन कितना हो हो जाएगा गया के क्यू क्यू अपॉन एक्स प्लस एल कॉस थीटा हो गया एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस एल स्क् डिवाइडेड बाय एम सही है अब यहां पर अप्रोक्सीमेशन भी मार दिया कि हमने हल्का सा डिस्प्लेस किया था इफ तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स तो आ रही है बेटा कितनी आ रही है टू के क्यू क्यू एक्स अपॉन एम एल क्यूब लेकिन ये एस एच एम नहीं है बताओ क्यों सर वो एक्स स्क्वायर पावर वन से प्रोपोर्शनल नहीं है फोर्स है तो सही कौन कह रहा है एक्स की पावर वन से प्रोपोर्शनल नहीं है एक्स अगर वेरी वेरी स्मॉलर देन वन एल है तो एक्स की पावर वन के प्रोपोर्शनल तो आ रही है भाई सर फोर्स मीन पोजीशन की तरफ नहीं है हाँ रिस्टोरिंग नहीं है वापस का लेके आ रही है उसे मीन पोजीशन की तरफ तुम याद करो ना एसएचएम में क्या होता था पार्टिकल एक्स इक्वल के अबाउट एस करता था तो यहाँ पे लेके जाए तो फोर्स इधर लगनी चाहिए प्रोपोर्शनल टू एक्स और इधर लेके जाऊं तो फोर्स इधर लगनी चाहिए प्रोपोर्शनल टू एक्स हाँ या ना कि एक्स टाइप की

किस किसको चमका चमका है अच्छे से यस सर रिस्टोरिंग भी तो होना चाहिए रिस्टोरिंग वर्ड इज इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट या नहीं आया समझ में एसएचएम एसएचएम की कंडीशन होती थी कि फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स की पावर वन वेर एक्स द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन एंड इट शुड बी रिस्टोरिंग आल्सो टुवर्ड्स द मीन पोजिशन इट्स नॉट रिस्टोरिंग इन दिस पर्टिकुलर केस ठीक है आगे बढ़े गाइस, सपोज करो अब देखो इसी तरह के भाई बंधु क्वेश्चन बनते हैं पिछले वाले में मैंने क्या लिया था ये बता दो कोई मैंने लिया था ये क्यू ये क्यू और ये टूवेल्व लिया था और यहां पर पॉइंट मास पॉइंट चार्ज लिया था क्यू इसमें अगर यहां डिस्प्लेस करता हूं तो ये एस एच एम करता है yes, और यहां डिस्प्लेस करता हूं तो ये दूर भाग जाता है तो एस एच एम नहीं करेगा अब अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से ध्यान से अगला क्वेश्चन देखो क्यू लिया और फिर से क्यू लिया और यहां पर पॉइंट चार्ज लिया माइनस क्यू ये एल है ये एल है इसमें मैं पहले बता दूं एक सेकंड चलो सोच लो किस-किस को रियलाइज हो रहा है इस वाले केस में एक्स एक्सिस में एसएचएम नहीं करेगा और वाई एक्सिस में डिस्प्लेस करूंगा तो एसएचएम करेगा यस सर सर एक बार क्वेश्चन फिर से बताओगे प्लीज देखो पहले वाले में ये क्यों था और ये क्यों था इनको फिक्स किया था और इनके सेंटर पे लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज ले लिया था क्यू पॉजिटिव सारे पॉजिटिव हैं तो उस केस में इसने ये वाला एसएचएम किया था और ये वाला एसएचएम नहीं किया था दूसरे केस में चार्ज को नेगेटिव क्यू लिया है इसको नेगेटिव क्यू लूंगा तो अगर एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस करूंगा तो एस नहीं करेगा और वाई एक्सिस में डिस्प्लेस करूंगा तो एस करेगा यस सर आ रहा है यस सर

और रेशन फिर नीचे की तरफ हो जाएगी कितनी हो जाएगी टू एफ कॉस थीटा बाय ना यस yes, सर ये हो जाएगा टू के क्यू क्यू अपॉन बाय बाय एक्स स्क्वे प्लस एल स्क्वेयर कॉस थीटा हो गया एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वे प्लस एल स्क् चलेगा ना? Yes, और इससे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है टू के क्यू क्यूब बाई एमएल ले लो एक्स अगर एक्स वेरी वेरी लेस देन एल है तो तो टाइम पीरियड कितना आएगा टाइम पीरियड आ जाएगा टू पाई रूट एमएल क्यूब बाई टू के क्यू क्यू और आंसर सेम नहीं है ध्यान रखना उसमें फोर आया था इसमें टू आया है समझ में आ रहा है यस सर यस सर उसमें फोर आया था पिछले वाले में फोर आया था नोटिस दिस पॉइंट और यहां पर टू आया है सही है एवरीबॉडी गॉट इट यस सर टफ तो नहीं था एक बार नोट करना है हाँ कर लो सो so, ये टाइम पीरियड ऑफ एच हो गया गाइस थोड़ा सा फिर से थ्योरी पे आ जाएं अच्छा लगेगा मैंने कहा था दो पॉइंट चार्जेस हैं क्यू वन क्यू टू और सेपरेशन आर पे हैं ठीक है तो इस पे फोर्स कितनी लग रही है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेयर इस पे फोर्स कितनी लग रही है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेयर चलेगा ना यस yes, सर इस फोर्स को अगर हम चलो कौन से वाली को किसी एक को किसी एक को इस वाली फोर्स को ले लो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहू तो कैसे लिख सकता हूं किस डायरेक्शन में है ये? क्या मैं ये कह सकता हूं दिस फोर्स इज के q2 क्यू टू बाय आर ये एक वेक्टर डिफाइन कर दू क्यू वन से क्यू टू की तरफ इसको बोल दू आर वेक्टर q1 से q2 की तरफ एक वेक्टर डिफाइन कर दिया r वेक्टर तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा आर कैप तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी आर कैप आर कैप क्या हो गया वेक्टर फ्रॉम वेक्टर फ्रॉम क्यू वन टू क्यू टू किस किस को ये चमका यस सर डायरेक्शन बताने के लिए इसका मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आर कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर फ्रॉम क्यू वन टू क्यू टू अच्छा अब जरा सोचो एक सेकेंड के लिए एक सेकेंड के लिए सोचो सपोज करो आर वेक्टर है आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूं आर मैग्नीट्यूड इन टू आर कैप किस किस को ये चीज याद है भाई मान लो कोई ये, सर। ये, सर। ये मान लो ए वेक्टर है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दस यूनिट है तो हम ये कहेंगे ए कैप क्या था ए कैप क्या था वन यूनिट का वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर तो हम ये कह सकते हैं ना ए वेक्टर इज नथिंग बट कैप यस सर तो हम ये कह नेंगे आर वेक्टर इज आर मैग्नीटूड इन टू आर कैप और नॉट यस सर यस सर तो क्या मैं कह सकता हूं एफ वेक्टर कैन बी रिटन एज के क्यू वन क्यू टू क्यू वन क्यू टू आर कैप को लिख दू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चलेगा अपॉन किस किस को यह समझ में आया भाई इस चीज को लिख दिया मैंने यस आर वेक्टर अपन आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट्स योर आर कैप किस किस को यह समझ में आ गया है Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में दैट इज के क्यू वन क्यू टू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब क्योंकि तो ये स्क्वेयर का मतलब क्या है जो पहली क्वांटिटी है स्क्वेयर आर स्क्वेयर इसका मतलब क्या है यही तो मतलब है इसका हाँ या ना Yes. बच्चे ना डर गए, अब अब, अब मेरे को खौफ दिख रहा है अगर अगर तुम क्लास में होते होते, और लाइव होते, तो तो मुझे अभी तुम्हारे चेहरे पे खौफ दिख जाता लग गया ना खौफ हाँ मैं जवाब दे दो ये क्या करा दिया तो चालू ही इससे करते हैं डोंट वरी स्कूल वाले चालू ही इससे करते हैं मैंने तो बहुत सारा भूमिका जी बनाई मैंने कहा यार कॉम्पोनेट से कर देंगे क्वेश्चन वगैरह हाँ ना

लिख लिया लिख लिया से, था, था सर और और ऊपर करूं अब और देख लो ठीक है लिख लो तो बता देना नहीं तो मैं बन जाऊंगा थेनोस थेनोस क्या करता है थेनोस करता है ना ऐसे या आयरन मैन बनूंगा कुछ नहीं बोलते बच्चे। बच्चे तुम लोग बहुत शांत रहते हो तो मतलब कुछ समथिंग इज रॉन्ग समवेयर आइदर यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग व्हाट आई एम टीचिंग और यू आर गेटिंग एवरीथिंग स्ट्रेस में आके पढ़ते हो क्या थोड़ा चिल मारना सीखते हैं क्या करते हैं तुम्हें तो लग रहा है मैं किसी तरह से स्ट्रेस में हूं बोलो भी नहीं चाहिए तो बच्चों वाली चीज है मेरा बस चले तो मैं अपनी फोर्थ क्लास की बच्ची को पढ़ा दू ये मैं ये कह रहा था मान लो हमारे पास मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड हाया ना और मान लो हमारे पास ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू वन ये पॉइंट चार्ज रखा है क्यू टू हा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये डिस्टेंस आ रहा है तो फोर्स ऑन क्यू टू क्या होगा फोर्स ऑन क्यू टू कितना होगा ड्यू टू क्यू वन ये हो जाएगा के Q1, Q2, R वेक्टर। अब ये बता दो ये वाला R वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा ये वाला R वेक्टर, ये वाला वेक्टर होगा एम आई राइट किस किस को ये समझ में आया इसी के डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स सर अपॉन R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब चलेगा नहीं चलेगा अब ये बताओ अब ये बताओ मान लो

समझने वाले समझ गए ना समझे वो क्या है भाई गाना नहीं सुना हुआ क्या अनाडी है नहीं अरे भाई ट्राइंगल लॉ क्या कहेगा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर हाँ या ना सीक्वेंस में लिया? टेल हेड टेल हेड पहले के टेल से दूसरे के हेड पे जो बनता है वो दोनों का सम होता है तो ये अगर आर वन है और ये आर है तो ये वेक्टर टेक्निकली आर टू इज नथिंग बट आर वन प्लस आर तो आर क्या हो जाएगा आर टू माइनस आर वन हाँ या ना समझे कि नहीं समझे ऐसा yes, मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट दे दूं इसके कैसे कोऑर्डिनेट दे दूं गाइस? एक्स वन इसको कोऑर्डिनेट दे दो एक्स वन वाई वन जेड वन इसके कोऑर्डिनेट दे दिए एक्स टू वाई टू जेड टू हाँ या ना तो क्या मैं कह सकता हूं आर वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा आर वन वेक्टर क्या हो जाएगा पहले तो ये बता दो आर वन वेक्टर हो जाएगा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन कैप आर टू क्या हो जाएगा एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप हाँ या ना गॉट और नॉट तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा आर yes, हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के लग नहीं रहा अभी समझ में आया किसी को मैं क्वेश्चन कराऊ क्या एक वैल्यू के साथ शायद चलो करवा देते हैं तुम भी क्या याद रखोगे लिख लो पहले इसे तो लिख लोगे पूरा पेज दिख रहा है सबको एक साथ लिख लिया यस yes, सर पक्का yes, sir. कोई तो बोल रहा था जिसकी आवाज बहुत कट के आ रही थी भाई तुमने लिख लिया नहीं लिख लिया नहीं लिखा जल्दी जल्दी लिखो क्या करो जल्दी जल्दी लिखो इज मैं ये कह रहा था सपोज मान लो सपोज मान लो चार्ज क्यू वन है क्यू वन की वैल्यू दे दी से टू इंटू टेन की पावर माइनस छ कूलम और क्यू टू दे दिया थ्री इंटू टेन की पावर माइनस कूलम और क्यू वन को रख दिया कोऑर्डिनेट वन कॉमा माइनस टू कॉमा थ्री पे और क्यू टू को रख दिया फाइव कॉमा सिक्स कॉमा माइनस सेवन पे मीटर पे अब कहते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू अब तुम तो डर गए ये वाला क्वेश्चन कंपोनेंट मेथड से तो होगा नहीं समझे नहीं समझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो ये तो ये तुम्हें वेक्टर फॉर्म में जाके करना पड़ेगा तो हम सीधा कहेंगे आंसर इज कि भाई ये हमारा Q1 था ये Q2 था इसके कुछ इसका कुछ पोजिशन वैक्टर आर टू था इसका कुछ पोजिशन वैक्टर आर वन था वो ओरिजिन से वैक्टर हो गए तो हमें ऑन क्यू टू चाहिए दोनों पॉजिटिव थे इसका मतलब डायरेक्शन ये वाली जाएगी हाँ या ना और ये फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी आर वैक्टर हो जाएगा और ये आर वैक्टर क्या हो जाएगा आर टू माइनस आर वन तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी के के को लिख दिया नाइन इंटू टेन की पावर नाइन क्यू वन को लिख दिया टू इंटू टेन की पावर माइनस छू टू को लिख दिया थ्री इंटू टेन की पावर माइनस छ इंटू आर वैक्टर हो जाएगा तसली से करो आर टू माइनस आर वन क्या होगा दिस माइनस दिस दैट इज फोर आई कैप दिस माइनस दिस सिक्स माइनस माइनस टू इज एट जे कैप माइनस सेवन माइनस थ्री माइनस टेन के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड हो गया फोर का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर प्लस टेन का स्क्वायर का अंडर द रूट का क्यूब डेट्स योर आंसर दिस इज फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यूब अब बोलो क्या समस्या थी समझ में आया कि नहीं आया यस सर यस टफ था नो सर सपोज करो सपोज करो दिस ऑज फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू वन वट अबाउट फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू अब

माइनस इस वाले का पोजिशन वैक्टर होगा सही है कि नहीं है लेफ्ट वाले का पोजिशन वैक्टर माइनस राइट वाले का पोजिशन होगा सही है तो so आंसर yes, आ पावर नाइन वेक्टर हो गया टू इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स इंटू थ्री इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स और दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस फोर Minus 4 i cap minus 2 minus 6 minus 8 j cap 3 minus minus 7 that is plus 10 k cap upon 4 ka square plus 8 ka square plus 10 ka square ka under the root ka cube done got it or not यस सर ऑफ लिख लो तो बता देना यस सर और कोई चार्ज नेगेटिव होता तो अगर कोई चार्ज नेगेटिव होता तो लिख लिया या नहीं लिख लिया सबने माइनस आ जाता देखो या तो चार्ज के आगे नेगेटिव लगा दो या दोबारा से सोच लो दोबारा से सोचने का मतलब ये हुआ कि मान लो चार्ज है टू इंटू टेन की पावर माइनस थ्री कूलम और ये है ना माइनस थ्री इंटू टेन की पावर माइनस थ्री कूलम्ब इसका पोजिशन है वन कॉमा फोर कॉमा माइनस थ्री और इसका पोजीशन है फाइव कॉमा सिक्स कॉमा माइनस एट हाँ और ये टू बोल दिया मैंने ये वन बोल दिया कोई पूछ रहा है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन चलेगा किस डायरेक्शन में लगेगी ये बताओ जरा किस डायरेक्शन में लगेगी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है इधर की तरफ लगेगी ना अरे थ्री डी ये मैंने तो ऐसी बनाया है इधर की तरफ लगेगी ना फोर्स yes, हो जाएगी नाइन इंटू टेन की पावर नाइन लिख टू इंटू टेन की पावर माइनस थ्री क्यू टू लिख देना थ्री इंटू टेन की पावर माइनस थ्री मैग्नीट्यूड ले लिया और डायरेक्शन ये वाली चाहिए तो ये वाला वेक्टर वेक्टर लेना है हाँ या ना तो दिस विल बी दिस पोजिशन माइनस दिस पोजिशन सही है कि नहीं है सर? तो वन माइनस फाइव इज माइनस फोर आई कैप फोर माइनस सिक्स इज माइनस टू जे कैप एंड माइनस थ्री माइनस एट दैट फाइव के कैप अपॉन फोर का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर का अंडर द रूट का क्यूब डन क्या टफ था इसमें एवरीबॉडी देखो एक चार्ज अगर पॉजिटिव था और ये चार्ज नेगेटिव था हाँ या ना तो इस नेगेटिव वाले पे फोर्स पूछी है तो पहली बात तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी इस डायरेक्शन में लगेगी कितनी होगी के हाँ या ना और पोजीशन वेक्टर कैसे लोगे बताओ ए, ये वाला वेक्टर चाहिए ना आर वेक्टर फिर ये वाला होना चाहिए ना तो इस वाले कोऑर्डिनेट में से ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस करोगे या नहीं करोगे यस सर तो वन में से फाइव माइनस करोगे तो माइनस फोर आ गया फोर में से सिक्स माइनस करोगे तो माइनस टू आ, आ गया माइनस थ्री में से माइनस एट करूंगा तो प्लस फाइव आ गया ये तो वेक्टर बन गया अपॉन उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा प्लस प्लस का अंडर द रूट ये तो मैग्नीट्यूड बना उसका क्यूब आंसर हो गया वेक्टर फॉर्म में हाउ इन एक क्वेश्चन दू होमवर्क क्वेश्चन मजे आने चाहिए तुम लोगों के साथ थ्री क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन क्योंकि प्रॉब्लम क्या है Normally, तो कॉम्पोनेट से करते हैं नॉर्मली हम कॉम्पोनेट से करते हैं लेकिन अगर हमारे पास थ्री स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर कॉम्पोनेंट से करना मुश्किल हो गया तो किससे करोगे वेक्टर फॉर्म से करोगे, करोगे. किससे करोगे और करके आना है अगली बार मैं पूछूंगा भाई मान लो एक क्वेश्चन बनाया कि हमारे पास एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है

डर गए बच्चे सर कुछ तो बनाने वाले हैं अजीब सा ये लग नहीं रहा लेकिन ये क्यूब है ध्यान रखना ठीक है ये क्यूब है इस क्यूब में हर कोने पे एक पॉइंट चार्ज है हर कोने पे एक पॉइंट चार्ज है गाइस गॉट इट हर कोने पे एक पॉइंट चार्ज है क्यूब मेरी तो वीडियो अटकी हुई है।, है क्या कह रहा है अरे क्या कह रहे हो वीडियो अटकी हुई है क्वेश्चन है कि एक क्यूब है और क्यूब पे क्यूब पे मैंने हरेक कोने पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया क्यूब और क्यूब की साइड लेंथ बोल दी एल चलेगा तो किसी एक पे फोर्स निकालनी है किसी एक पे चलो इतना वेग नहीं छोड़ता चलो लेट अस से मुझे फोर्स निकालनी है इस वाले पे ए वाले पे फाइंड नेट फाइंड नेट फोर्स ऑन ए ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस चलेगा दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन सही है yes, मत कहना कि हमसे हो नहीं yes, पाएगा ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये बेसिकली वेक्टर फॉर्म से ही करना है इसको ले लिया जीरो 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 इसको ले लिया एल जीरो जीरो इसको ले लिया एल 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 इसको ले लिया एल एल जीरो इसको ले लिया जीरो एल जीरो इसको ले लिया भगवान जाने क्या ले लिया एल सॉरी एक्स जीरो है तो जीरो एल एल हाँ या ना इसको ले एल वाई जीरो है एल जीरो एल इसको ले लिया जीरो जीरो एल हो जाएगा नहीं हो जाएगा गॉट इट और नॉट यस yes, सर हो जाएगा। चलो एक काम एक काम करते हैं एक क्वेश्चन और दे देते सपोज सपोज मान लो हमारे पास ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है तो z किधर की तरफ होगी आउट ऑफ द प्लेन होगी ना यस। तो बाहर की तरफ होगी ये हो गई सपोज z एक्सिस इधर की तरफ इधर की, की तरफ हो गई z एक्सिस अब एक काम करते हैं यहां पर रख दिए चार चार्जेस ये बोल दिया एल 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 इधर दे दिया क्यू इधर दे दिया क्यू इधर दे दिया माइनस क्यू इधर दे दिया माइनस क्यू, क्यू और सपोज यहां से जेड एक्सिस पे एक चार्ज रखा एक्स डिस्टेंस पे और ये दे दिया क्यू नॉट फाइंड फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू अदर फोर चार्जेस चलेगा डज दैट मेक सम सेंस यस सर हो जाएगा ना एक क्वेश्चन और दूं क्या एक क्वेश्चन और दूं कितने हो गए दो दो होमवर्क दिए हैं कुछ क्वेश्चन क्लास में कराए हैं ये एक और क्वेश्चन है जो तुम्हें करना है कर लोगे दिख रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने में आ रहे हैं कुछ कुछ यस सर हे बाय द वे मैंने एक चीज बताई नहीं है तुम्हें वो अगली क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा परमिटिविटी के बारे में ठीक है लेकिन मैंने यूज करना बता दिया मैंने परमिटिविटी वर्ड यूज नहीं किया है कहीं बाय द वे को लिखते हैं वन बाई फोर पाई एपसाइल नॉट एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फ्री स्पेस बोल दो या फिर क्या बोल दो वैक्यूम ये अगली क्लास में समझाऊंगा मैं चलेगा ठीक है तो इसीलिए इसमें देखो ये वन बाय फोर पाई एक्साइल एन नॉट है ना ये टेक्निकली क्या है ये। है ठीक ये है? है? है तो ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करना सो so, आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे ठीक है तुम लोगों को पहली क्लास में डराना मेरा काम नहीं है ठीक है आज के इतना काफी है ठीक है अगली क्लास होगी सैटरडे को आज आज फिजिक्स की मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ